नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्टवे चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका नाम है गिरजाराम वाल्मीकि, जो कि पंजाब के सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन हैं। ये एक बहुत बड़ा इदारा है और बहुत पावरफुल पोस्ट है। सो आइए स्वागत करते हैं गिरजाराम जी का। गिरजाराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल फास्टवे पे। थैंक यू सर। गिरजाराम जी, पहला सवाल तुहाडे कोल हैगा, बई तुसी कांग्रेस इन्नी देर रहे, तुसी कांग्रेस क्यों छड्डी? मानयोग जी, नमनगर साहब, कांग्रेस अज पूरे देश दे विच एक डुबदा होया जहाज है। कोई बंदा भी डुबदे हुए जहाज़ दे विच सवारी नहीं कर सकता। जे सवारी करेगा तो जहाज़ भी डुबेगा तो सवारी भी डुब जाएगी। इस करके असी कांग्रेस छड्डिया। जिहड़ी कांग्रेस की कुछ पहला 30-40 साल पहला नीतियां थी वो गरीब पक्षी सी, पर जिहड़ी इह नीति इस टाइम है हुण गरीब मारू है तो जिहड़ी रजवाड़ा शाही है अज वो इस कांग्रेस दे विच हैवी हो गई। चाहे वह चन्नी है, चाहे हरीश चौधरी है, जां कोई होर, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, है प्रियंका गांधी, जिहड़ी इन्हां दी सोच है ये साडे समाज प्रति, साडे गरीबां प्रति, मेरे सिपाही सिविल मैन प्रति ठीक रवैया ना होण करके सानू इन्हां नूं छड्डना पिया। हुण तुसीं बीजेपी जॉइन कीती है, तुसीं बीजेपी दी पार्टी दे विच किद्दां महसूस कर रहे हो? गल ये है, बीजेपी दे विच असीं अपने आप नूं आज़ाद महसूस कर रहे हैं। पहला असी गुलाम थे, अज असी आज़ाद है। पहला असी सुनिया करते सी भी देश साडा आज़ाद हो गया, पर 70 साल तो उपर साडे लोग 80 साल दे विच वोटा पाते हुए कांग्रेस नूं आ रहे हैं। हमेशा ही वाल्मीकि समाज की जिहड़ी वोट है वह कांग्रेस नूं पई है और कांग्रेस हमेशा ही इन्हां दे सिर दे उत्ते अपना राज स्थापित करती रही है। जिथे जिथे भी जिस जिस भी स्टेट बीजेपी दे विच जिहड़े लोग साडे गए हैं वाल्मीकि समाज, उत्थे बीजेपी की सरकार बनी है। जिथे जिथे कांग्रेस नूं साडे वाल्मीकि समाज ने ये कांग्रेस नूं छड्डिया, उत्थे मुड़ के उन्हां दा राज स्थापित नहीं होया। हुण तुसीं देखिया यूपी दे विच तुसीं मुड़ दुबारा सरकार आई, उत्तराखंड दे विच दुबारा सरकार आई, गोवा च सरकार आई, क्योंकि इत्थे वाल्मीकि समाज ने हुण कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के हुण बीजेपी दा समार के अच्छी तरह पल्ला फड़ लिया। हुण सानूं ये उम्मीद है भी कांग्रेस जिहड़ी नीतियां दियां उहनूं छड्ड के अज बीजेपी नूं अपना लिया। हुण बीजेपी और गरीबां दा जिहड़ा अज उच्चे चक्कण दे विच मोदी साहब ने कोई कसर नहीं छड्डी, सिवाज मोदी साहब की जिहड़ी सोच है वो असीं घर घर लेके जावांगे। हुण 8 साल मोदी जी की सरकार नूं बनन हो रहे हैं, असी 8 साल मोदी साहब के जिहड़े कम है बहुत ही देश प्रति शलाघाजोग है। तुसीं देखिया जम्मू कश्मीर दे विच एक देश है पर इत्थे 2 संविधान थे, इत्थे 70-300 खत्म करके जो बाबा साहब अंबेडकर का सुपना सी, जिस करके कांग्रेस नाल हमेशा ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई चलती रही। तो लड़ाई दे विच बाबा साहब अंबेडकर नूं मजबूरन नहरू ते गांधी उन्होंने ये जरूरी कहता भी तुसी 370 नूं इस संविधान दे विच जितो, पर बाबा साहब अंबेडकर ने 370 जीती थी संविधान दे विच दर्ज, वो टैंपरेली तौर पर दिती ना कि पक्के दिती थी, पर कांग्रेस पार्टी ने ये पक्के तौर पर 370 लागू करती। जिहड़े कश्मीर के लोग हैं, असी लोग इत्थे कम करदे, कम करके देश नूं चलाने, देश दे विच असी अपना कर ते बाकी होर साधना राही सरकार का खजाना भर रहे। जिहड़े कश्मीर दे विच बैठे लोग हैं एक पासे देश का सरमाया खा रहे हैं ते दूजे पासे नाल दे देशां दे विच मिल के वो साढ़े ही देश दे विच अतवाद फैलाने दे विच सब तो मूहरे हैं। आ चाहे कश्मीर की गल ले लीए, चाहे पंजाब की ले लीए, चाहे पंजाब तो बाहर के होर जिहड़े स्टेटा हैं जिथे जिथे भी जिहड़ी पाकिस्तान के नाल चाइना नाल बॉर्डर लगते हैं उत्थे हमेशा ही अतवाद का खतरा बनया रहिंदा है। इस वास्ते असी जिहड़ी कांग्रेस की पॉलिसी की
उसनों ठुड्डा मार के परे किया तो अज अस बीजेपी को अपना के बड़ा फख्र महसूस कर रहे। कहने का मतलब कि बीजेपी की या मोदी साहब की नीतियाँ तो तुसी काफ़ी प्रभावित हो और देश के वास्ते जो वधिया काम कर रहे हैं वो तुहानू पसंद है। जेकर पसंद ना हुंदा तो अज असी मोदी साहब नू पठानकोट दे विच तुहाडे ही जो मोदी साहब इलैक्शन दे विच आए असी उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि महाराज की माला दे के सम्मानित किया और मोदी साहब ने पूरी जनसभा दे विच ये लॉन्च किया कि मैनू वाल्मीकि समाज ने यह पवित्र माला दे के मैनू सम्मानित किया। असी उस करके मोदी साहब ने जिहड़े लिफाज उत्थे पठानकोट वरते हैं जिस दे नाल साढ़े पूरे देश दे विच वाल्मीकि समाज का कद जिहड़ा बहुत उच्चा होया। विजय राम जी एक गल दसो भी अज तुसी चेयरमैन हो सफाई कर्मचारी कमीशन दे एक बहुत चुनौतीपूर्ण अहुदा है इनू तुसी किस तरह लेंदे हो क्या ये ईजी काम है या थोड़ा टफ है? सर ना ये ईजी है और जो टफ की गल है ये छोटा मोटा टफ नहीं बहुत सारा टफ है ये लोगों तो जीते बिल्ले फिरते हैं पर जिन्ना एक कमीशन सारे जिन्हें भी चेयरमैन है कमीशन है उन्हें सारे तो ज़्यादा कम है। तुसी देखिए पिछे करोना दे विच महामारी कोविड 19 आई है और उस कोविड दे विच जड़े मेरे सफाई सेवक इस देश की सेवा की खास करके पंजाब के हर एक सफाई सेवक ने अपने बच्चे छड़ के अपना परिवार छड़ के उन्होंने पंजाब की देश की सफाई दे मूहरे लग के इस देश के बड़े सेवादार बन के उन्होंने काम किया। देश दे महामारी दे विच अपनी सारी जिंद जान तली दे रख के उन्होंने अपना काम किया। सर एक गल दसो जदों ये इंपलॉयज इन्हां दियां तनखावां नहीं बढ़दियां इन्हां दे इन्हां नूं बाकी सहूलतां नहीं मिलदियां तो ये धरने ते बह जांदे ने अपनी तनखावां नूं लै के उहदे विच तुसीं की उपराले करदे पे? देखो जिथे जिथे भी नगर निगम है नगर पालिका है नगर परिषद है साढ़े जरा कमीशन का एक नारा है भी ठेकेदारी रह नहीं देनी तो मक्खी नकते बह नहीं देनी। उस उपराले दे नाल मान योग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला दिता। यानी कि तुसी आउटसोर्सिंग की गल कर रहे हो? मैं आउटसोर्सिंग की भी गल कर रहा मैं ठेकेदारी भी कर रहा जो मेरे सफाई सेवरमैन लुट्टे जा रहे हैं इन्हों बर्बादी वाले जाने हैं फिर इन्होंने मजबूरन अपने काम छड़ के हड़ताल के उत्ते बैठना पैंदा। इस दी सारी जिम्मेवारी चाहे वह पिछली सरकार है चाहे अज की सरकार है ये साढ़े वल हूँ एक पास हरियाणा उत्थे सफाई सेवकों कुछ मिल रहा जड़ा दिल्ली है उत्थे कुछ मिल रहा पर जड़ा पंजाब है वह सब तो घट तनखा पंजाब च मिल रही है। जड़ी गिनती सफाई सेवकों की रिटायरमेंट हो चुकी है सफाई सेवक घट चुके हैं एरिए वो बढ़ चुके हैं 1975 का डाटा चक के देखिए जरा डाटा उसके मुताबिक सफाई सेवकों की गिनती घटी है तो एरिए बधे हैं इस एरिया बदन के नाल साडे सफाई सेवकों की गिनती भी बदनी चाहिए है। जरा शहर के असी निगाह मार के देखी है बहुत सारे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो एक बंदे का एरिया जरा कहता 10 किलोमीटर का सफाई करो जबकि 2.5 किलोमीटर तो बद देना नहीं चाहिए इन्होंने 10-10 किलोमीटर के एरिए दिते हुए हैं इन्हें शोषण हो रहा। असी सरकार जी मौजूदा है मान साहब की पिछे चन्नी साहब की रही मान योग मुख्यमंत्री सबका कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रहे उन्होंने साड़ी यही लड़ाई चलती रही भी सफाई सेवकों को उतान चक्कन के लिए इन्हों का जरा प्रोपर इन्हें रेगुलर भर्ती की जाए इन्हें आउटसोर्स बंद किया जाए। मान योग सुप्रीम कोर्ट की जी रूलिंग आई है 14/12/2021 उन्होंने पूरे प्रदेशों पूरे देश दे विच एक नोटिफिकेशन जारी किया भी आउटसोर्स देते कोई भी भर्ती किसी भी और साडे मान योग देश दे विच ना कीती जावे पर वो हाले भी चलती पई है जी इहदे वास्ते तुसी की कीता? असी चलती पई है मैं जन मान योग सरकार दे हर एक डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर और सारे डिविजनों दे विच और चीफ सैकटरी साहब होम सैकटरी साहब सारे नूं असी लैटर कढ के दे दिते हैं और लैटर दे विच असी दस्ता
ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ? ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਆਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ SDM, DAC, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21/6/21 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ DC ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਮਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਸਕੇ ਤਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਠਾਲ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ DC ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8,000। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਸਿਵਰਮੈਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ 12/7 ਆਹ 2022 ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਵਰਮੈਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਬਦਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ FIR ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇਸ FIR ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 12/7/2022 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
इतने तक है सरकार ने जो इसी जाती की इन्होंने मेरी बॉडी कार्ड भी मेरी सिक्योरिटी भी सारा कुछ वापस ले लिया। मैं इन्होंने कहा कोई गल नहीं जो थोड़ा दिल करता कर लो जिसको रख के साइया मार सके ना कोई बालना बंका कर सके चाहे सारा जग चाहे सरकार बैरी होए मैं इस करके कोई नहीं डरता। कच्चे कर्मचारी उन्होंने पक्के करने वास्ते की उपराला है? असी कच्चे कर्मचारियों पक्का कराने के लिए इन्हों सब तो पहला पिछली सरकार दे विच नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। वो नोटिफिकेशन दे विच मान योग साड़ी पहली सरकार ने 14/12/21 नूं एक एडिवेशन जारी करके 21/6/21 नूं विधान परिषद पास करके इन्हां दी जिहड़ी 35,000 सफाई सेवक सिवरमैन नूं पक्का करन वास्ते सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करन वास्ते मान योग गवर्नर साहब दे कोल पहल भेजी थी वह उसी तरह ही अच के टंगी हुई है। असीं सरकार ते दबाव पा रहे हैं भी छेती दे के वो क्लीयर करके सफाई सेवक सिवरमैन इन्हां नूं पक्का किया जाए और इन्हां दे बच्चों की इन्हां दी देखरेख लई जिहड़ी भी ठेकेदारी और सोर्स खत्म की जाए। ये वाटर सप्लाई वाले जिहड़े कर्मचारी ने वो अप्लाई कर देंगे ने सफाई कर्मचारी उहदे विच क्या ये वैलिड है? बिल्कुल गलत है। जिसका काम उसी को साजे जिहड़ा सफाई सेवक है वह गंदगी भी चकदा किसी नूं भयानक बीमारी लगी हुंदी है जैसे कैंसर है चाहे टीबी है होर भी है क्या वाटर सप्लाई वाला कर लूगा जां गटर दे विच बढ़ना पै जावे वाटर सप्लाई वाला बढ़ जूगा ये सिवरमैन सफाई सेवक ही कर सकता। इत्थे कोई लापरवाही लाश पई होवे जिहड़ी 5-7 दिन तो सड़ी पई होवे क्या वाटर सप्लाई वाला उहदा लास्ट संस्कार करा दूगा? नहीं करा सकता। ये केवल सफाई सेवक सिवरमैन ही कराने है ये बाकी जिहड़े वाटर सप्लाई चो इधर लेके ये तो एक धोखा सफाई सेवकों ने कर लगे ये बिल्कुल गलत है। इसनों कदे भी सरकार ना मंजूर करे ता जिहड़े सफाई सेवक है उन्होंने ही भर्ती करके उन्होंने पहल कदमी रखे। गेजा राम जी राजनीतिक पार्टी ने 7 सीटा भरिया राज्यसभा दी उहदे च एक भी सीट एससी नूं नहीं गई इहदे बारे तुहाडा की कहना? देखो गल इह है जी ये जिहड़ी इस टाइम मान सरकार है ये जुमलिया की सरकार है ये डफलीबाज सरकार है जदों इन्हां नूं वोटां की लोड़ थी उदों इन्हां नूं 32% जिहड़े पंजाब दे एससी है उन्हां नूं कहिंदा मेरी पग है। अज पुछना चाहते हैं जिहड़े तुसीं रंगला पंजाब कहिंदे सी अज वो रंगले पंजाब दे विच असीं कित्थे हैं? सब साडी कोई चीज़ है असी इत्थे 32% हैं साडी परसेंट के मुताबिक साडा कोई राज्यसभा का मैंबर लिया पिछली सरकार चाहे वह अकाली सरकार थी चाहे वह कांग्रेस सरकार थी और सरकार इतने एक एससी साडा मान योग किसी भी समाज चो एससी लो ता जो उन्हें राज्यसभा की जिहड़ी सीट भर के दिखाओ पर मान योग जिहड़े केजरीवाल साहब हैं जिहड़े बहुत हुक्मरान है वह जिहड़े कहिंदे सी जदों मेरी सरकार तुसी लियाओगे तो एक मौका दोगे मैं तुहाडा इत्थों डिप्टी सीएम दलतों च लावांगा पर इत्थे ना दलतों का सीएम डिप्टी लाया तो ना ही इत्थे कोई राज्यसभा दी सीट दित्ती है जिहड़ी केजरीवाल ने भगवंत मान ने आ हुण ही दो बंदे लिते ना सानी जी वो सचर साहब ये सारे तुहानूं पता ही है किस तरह लिता एक दिल्ली तो है एक इतों लोकल है। यदा मतलब यदा मतलब ये तुहाडे समाज नाल धोखा होया साडे नाल समाज नाल भी धोखा होया और पूरे पंजाब नाल धोखा होया जड़े बंदे अरबांपति करोड़ांपति है उन्होंने चक के इन्होंने राज्यसभा के मैंबर लियांदे असी गरीब ये आम आदमी ने कोई पैसा नहीं दे सकते इस करके साडी बारी नहीं आई। पर ये तो अपने आप नूं आम आदमी कहिंदे ने मेरे कोल भी आम आदमी चड्डा साहब आए थे उन्होंने मैनूं राज्यसभा की सीट ऑफर की थी और मैंने केजरीवाल साहब के कोल लेके जा रहे थे पर मेरे साथी ने बिल्कुल 16 ने स्पष्ट कहता कहिंदे जे कांग्रेस छड़नी है तो आम आदमी च नहीं जाना जे जाना तो बीजेपी च जाना। मैं अपनी सेंटर वाल्मीकि सभा के अहुदेदारां दा फरमान स्वीकार करते हुए असी बीजेपी च आए हैं अज असी बीजेपी च आनंद ले रहे। तुसीं पठानकोट आए हो पठानकोट की जनता नूं पठानकोट के लोगों
की मैसेज देना चाहते हो? मैं सब तो पहला इत्थे जिहड़े साडे बीजेपी दे प्रधान भी हैं MLA साहब भी हैं उन्होंने उन्हां दे शहर दे विच उन्हां दी नगरी दे विच उन्हां दी रियासत दे विच आके पहला तुहानूं सलाम करदा। दूसरा इत्थे जिहड़े पठानकोट जिले दे जिन्हें भी वोटर हैं उन्होंने यही अपील करांगा भी आपां सारे ही अपने आप नूं सफाई रखिए, अपना इलाका सफाई रखिए, अपना शहर सफाई रखिए, जिस दे नाल कोई भी किसी किस्म की महामारी ना फैल सके, कोई ऐसी बीमारी ना सानू घेर सके जिहदे नाल असी मौत दे घाट वाले जाइए, असी आप भी बचिए ते नाल पड़ोसियों नूं बचाइए। ये थे गेजा राम जी जो कि चेयरमैन है सफाई कर्मचारी कमीशन के। आज इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इनका जो जज्बा है अपने सफाई कर्मचारियों के लिए वो देख के बहुत खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।